हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में रात को रुके थे। कल हम गांव से चल के आए थे, आज हम जाएंगे राधा रानी के मंदिर में बरसाना बरसाना में। चला चलो। इसीलिए आए हैं, बस छोटी सी यात्रा है। बरसाना जाएंगे और वृंदावन नंदगांव देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं। अभी आपके लिए वीडियो एडिट किया है। अभी सुबह सुबह दही और खिचड़ी का नाश्ता कर रहे हैं। दही रात लेके आए थे, मैं घूम पैक घुमाना। अभी यहाँ से चलेंगे नीलकंठ नाम से, ये होटल है बाईपास पे। यहाँ पे हम रात को रुके थे और अभी सुबह सुबह 8 बज गए और लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र अभी भी बाकी है। 150 किलोमीटर चलेंगे तब जाके पहुँचेंगे, और जाते ही सबसे पहले मंदिर में दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले दूध लेना है। यहाँ पर एक डेयरी कल की ठाई की हुई है, वहाँ से दूध लेंगे शिवन्या के लिए। अच्छा हाँ रफा तो असी धोई एक कौन बेटा, खिचड़ी जिम के मुंह तो धोई कौन सुनिया असी एक जगह बेटा, अच्छा बैठ सिया जा, की जगह है। असी एक जगह बैठ जा, सपा यहाँ बैठ जा। बड़े कौन कड़सी खड़ी हो, पाची खड़ी हो, सौड़ बैठ खड़ी हो। हाँ बिन फसनो बैठ जा तो ही ना है बस। मन। आज अच्छा बैठ जा, बैठ जा। यहाँ पे डेयरी से शिवन्या के लिए दूध लिया है और रास्ते में कहीं गर्म करेंगे। ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं हम लोग, बाईपास है दिल्ली का। वो दिखे पहाड़ वाले के खाओ बेटा। ओके है फिंगर 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 फिंगर। कुंडली मानेसर बाईपास कंप्लीट हो गया, पलवल पहुंच गया। और यहाँ से अब 60-70 किलोमीटर है बरसाना वृंदावन साइड। देखते हैं कितना पहुंच पाएंगे। मेरी क्या है कि धूप के अंदर याद आता है चश्मा, रोड ऐसी चमकती हुई आंखों में आती है ना, तब चश्मा लगाया। अभी नंदगांव आ गया और नंदगांव से हम निकल गए बरसाना की तरफ। मोए 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 हम लोग बरसाना पहुंच गए हैं। कम साइड से एक रोड आती है, उस साइड से जा रहे हैं। इस साइड में ट्रैफिक कम है, बाकी इस टाइम यहां पर बहुत ट्रैफिक होता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में खूब ट्रैफिक है, ऐसे गेहूं के खेतों के बीच में। यहाँ पर रुके हैं, शिवन्या को दूध पिलाएंगे। फिंगर ए मोई 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 कोनी बेटा कनक है। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, नंदगांव से बरसाना जा रहे हैं, और एक छोटी रोड है उस रोड से जा रहे हैं। ऊंचा गांव से जो छोटी रोड जाती है ना, उस रोड से जा रही है। जो मेन रोड है ना, उस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ऊंचा गांव आ गया, ऊंचा गांव। मम्मी आए, ओए मम्मी आए, ओए मम्मी आए, ओए मम्मी आए, ओए गगली पहले देखने जाते हुए अंदर। मैं थोड़ी सी झलक की मैं दिक्कत देख रखा है मैंने सर को। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा, और कुरुक्षेत्र से आप आए हो? हाँ जी। मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आपकी सारी वीडियो। जब आपने घर का मुहूर्त किया था तब से आप शादी में गए थे, ठीक है, आप शिप में गए थे, उल्टियाँ भी लगी थी रास्ते में। मैं आपको बहुत पहले से आपकी वीडियो, आपने ड्रोन की अनबॉक्सिंग की थी, ड्रोन उड़ाया था आपने पहाड़ों में, उस पे मंदिर में आपने सारा कवर किया, बहुत अच्छे से मैं आपको वीडियो देख रहा हूँ और आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है बिल्कुल। हाँ जी, आप अभी कलर वलर कहाँ पे खेल के आए? अभी मंदिर से आए हैं, मंदिर के अंदर वैसे सारे ऐसे डाल रहे हैं कि सारे सब जो आते हैं उनके ऊपर कलर डाल रहे हैं। हाँ जी, भीड़ कितना है? हम बहुत ज्यादा भीड़ है, बच्चों को नहीं, बच्चों को ले जाना बिल्कुल, बहुत काम खराब हो जाए। चलो ठीक है, थैंक यू, जाएंगे। तो अभी दोस्तों उसके बाद में हम लोग बरसाना के अंदर एक जगह पे आके रुके हैं। ये रूम लिया है, घर के अंदर कमरा है, घर के अंदर ही है नॉर्मली ये। इससे पहले मैं एक जगह और गया था, वहाँ पर एक कमरे के 4,000 रुपये बता रहे थे। उसके बाद में 10 भी बता रहे थे एक जगह पे,
यहाँ पर पहले 3 और फिर 2.5 1 रात का 2500 रुपये किराया बताया, क्योंकि अब 2 दिन यहाँ पर बरसाना के अंदर होली का प्रोग्राम है, उस वजह से बहुत भीड़ है, गाड़ियाँ भी 1.5-2 किलोमीटर पीछे ही खड़ी कर रहे थे, तो रूम लिया तब गाड़ी अंदर आई है। अभी तो हम मंदिर के एकदम पास तक आ गए, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर यहाँ से, और वैसे तो बरसाना एक छोटा सा गाँव ही है, लेकिन इस टाइम होली के फंक्शन पे बहुत ज़्यादा मतलब श्रद्धालु आते हैं। इतने होटल है नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए लोग घरों में भी दे देते हैं, एक आधा कमरा एक्स्ट्रा, जैसे ये किसी का यहाँ पर रहने वाले जो है उनके बच्चों का कमरा है पढ़ने का ऐसा कुछ, तो उनको ऐसे लगा कि 2-4 दिन में 5-10 हज़ार रुपये उठा सकते हैं, या होली तक 10-20 भी, तो ऐसे घरों में भी दे देते हैं। यहाँ पे लेटरिन बाथरूम इस साइड में अटैच नहीं है, और गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, और ये घर है, घर के अंदर रूम है, और यहाँ से मंदिर जाएंगे तो मंदिर 1 किलोमीटर पैदल जाने का है, गाड़ियाँ तो वैसे भी अंदर नहीं जाने दे रहे, गाड़ियाँ दूर ही खड़ी हो रही है। वैसे हमने रूम लिए है तो हमारी गाड़ी नज़दीक तक आ गई, और शिवन्या सो रही है, और ये है रूम पूरा। अरे राधा ढूंढी रही किसी ने और शाम देखा, राधे 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 ढूंढी रही किसी ने शाम देखा, शाम देखे घन शाम देखे, राधे राधे ढूंढी रही किसी ने शाम देखे। तो भाई उसके बाद में हम लोगों ने करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे तक नींद ले ली, उठ गए, अब शाम के 4 बज गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं बरसाना एकदम मंदिर की साइड में, मार्केट साइड में, हम लोग ये एकदम बाहर की साइड में है, मैंने आपको बताया था जिस साइड से आए थे, खोर गांव है साइड में, तो वो ऊंचा गांव भी है उस साइड से, बाहर की साइड में ही रुक गए, और यहाँ से मंदिर जो है मात्र 650 मीटर पैदल रास्ता है, तो काफ़ी नज़दीक है, मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, तो अब जा रहे हैं। हमें नहीं पता बरसाना आज से पहले हम लोग कभी नहीं आए, आज पहली बार ही आए हैं। इस तरह से मेरे पीछे की साइड में जो टोलियाँ दिख रही है, खूब सारे लोग आते हैं और रंग में हुई हुई दिख रही है, पता नहीं इनको कोई रंग रहा है, सब अपने आप होली खेल रहे हैं, सब देखेंगे अभी जाके ही देखेंगे सब। हैं रास्ता हमसे यहाँ से 5-7-10 किलोमीटर है मुश्किल से, और कामा नाम से राजस्थान यात्रा के दौरान हम लोग यहाँ पे आए थे, भरतपुर के पास में कामा डीग, वो एकदम नज़दीक में ही, इधर से सब ब्रिज का इलाका है, छोटी गाड़ियाँ बस वगैरह ऐसे भर के टोलियाँ आती है। यहाँ पर रोप वे बन रहा है देखो, इसे एकदम रोप वे के पास में है हम लोग, और ये रहा मंदिर सामने, एकदम आगे तक हम लोग पहुँच गए हैं, दुकानें वगैरह धीरे धीरे शुरू हो रही है। भैया नमस्ते, सब जर्नी वाले भैया मिल गए। नमस्ते मैडम, नमस्ते। मैं इनकी तरफ लगे नहीं का पड़ी मेरी बेटा, वो बुढ़िया है ना सब जर्नी वाले, पहचाना तूने जो देखती है तू वीडियो, सिया सिया के काम में, सिया नहीं है स्कूल में, सिया करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते। देखते हो वीडियो के खुश हो गए यार हम, अच्छा आपका वीडियो देखते रहते हैं, अच्छा। और कहाँ से हो आप? हम कोटा से, ऐसे तो हम प्रॉपर 12 से, 12 से हैं मगर कोटा रहते हैं, हम गए थे 12 में भी गए। अच्छा अच्छा, कब गए थे? पहले गए थे, शुरू में वीडियो बना, 2-3 साल पहले गए थे। अच्छा अच्छा, झालावाड़ कोटा 12। तनु वो देखती ना तू, सिया की मम्मी, ये देखो पहचाना ना अनिष्का के। और कैसे आप एक बात बताओ मुझे, ये रंग उधर किसी ने लगाया, आप अपने आप ही लगा के आए हो? नहीं नहीं, वो ही लगाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। ये जो जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है ना, वहाँ पर थोड़ी देर रुको, अपने आप ही वो बरसाते हैं तो अपने आप ही हो जाता है। अच्छा, अलग अलग जगह प्रोग्राम हो रहा है। आप ऊपर गए थे क्या दर्शन? ऊपर आप जा रहे हैं, क्योंकि लेट आए ना, हम साइड में चले गए थे। बहुत अच्छा लगता है हमको, सब जर्नी के वीडियो देखते हैं तो बहुत पसंद आते हैं, और ये हमारी तन्नू रानी बहुत देखती है इंडिया के पूरे, बोलती है पापा सिया की तरह मेरे को भी घुमाया करो, ये बोलती है। देखो उधर देखो अनिष्का, हेलो करो हाय ऐसे, सिया को तो छोड़ के आगे पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, वहीं पढ़ रही है अभी? गांव में पढ़ रही है। अच्छा अच्छा, चलो तो सोच रहे हैं कि जो लड्डू होली हो रही है वो देख लेते हैं फिर, क्योंकि ऊपर होती है मैन, तो थोड़ी थोड़ी नीचे होती है, हम लोग सोच रहे हैं बच्चों के साथ में कैसे एडजस्ट करेंगे। आप कर रहे हो तो हम लोग
सब हो जाता है धीरे धीरे। नहीं नहीं, हम तो कर ही रहे हैं वैसे, पर यहाँ कोई कह रहा था बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भयंकर भीड़ रहती है, मगर क्या है वो देखने का चस्का रहता है ना, तो कितनी भी भीड़ हो फिर भी हम भीड़ में है ना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते बच्चों को लेकर जाना 1%। पर थोड़ा दूर से भी दिख जाए ठीक है, तमाम बच्चों को दिया है हमने साथ में बिठा कर। वो हाँ वो हम लोग लगा चुके हैं पहले, सुबह में तो आपको देख कर। क्या नाम है आपका? भोला शंकर सुमन सैनी। भोला शंकर फूल माली हो गए हैं, पहचान लिया मैंने कि यार भैया वही लगता है मेरे को। अच्छा, ये क्या है कि साइड में एक पार्क बना हुआ है, कुछ कुछ लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर से, जिनको इस रास्ते का पता है वही जा रहे हैं। भीड़ के मारे है समुद्र ना समाए रहा, इधर भी भीड़ है, जाए को देखो ऊपर हमें लौटी हमें दस्तर ही ना भाई, बहुत भीड़ आपा जी, रास्ता बढ़ गया है जी, रास्ता बड़ी वीडियो बनाई भाई, बढ़िया बनेगा एक नंबर। पता नहीं बता रहे हैं भीड़ भी है इस साइड से भी खूब है। गोदी में ले होंगे हैं, ले ले बेटा आजा आजा मम्मी, तू कौन कड़े तू कौन कड़े ले ओली। रास्ता बहुत ही अच्छा मिल गया, भीड़ नहीं है ना आगे? नहीं खूब भीड़ है, खूब भीड़ है। इस रास्ते से भी है, उससे तो कम है, कहीं भी चले जाओ सब अच्छा, कोई बात नहीं। राधे राधे गाना ये ठीक है भाई, उस साइड से पूरा रास्ता है ना भरा हुआ है लोगों से, तो इसमें एक फायदा ये है कि कम से कम पूरा रास्ता है ना एकदम खुला खुला है, आराम से जंगल के रास्ते। अरे यार भाई ये देखो भाई, ये लाइन है जो नीचे से आ रही है वो ये मेन लाइन है, देखो जो नीचे से आ रही है ना वो है, ऐसे भर भर के भर भर के। सुनो हाँ, ते दर्शन करियो मैं तो बाद में कर लियो। ऐसे है देखो पूरा भर भर के लाइन लग रही है। अभी हम मंदिर के एकदम ऊपर आ गए, थोड़ी सी दूर की लाइन है, उस लाइन के अंदर जाना पड़ेगा तभी दर्शन होगा। अभी मंदिर के अंदर जाएंगे, जूते चप्पल बैग में डालनी पड़ेगी भाई, आपके तो है ही नहीं। कहाँ से आए हो आप? भरतपुर से। झुंझुनू के हो? अच्छा, तो भी बात कैसे ऐसे हो गई कि हम लोग आपको कह ही रहे थे कि भीड़ में नहीं जाना है, इतनी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन इतना दूर ऊपर आ गए तो फिर हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं थोड़ी सी दूर, 20 मीटर हम लोग गए थे, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि ये तो इतनी दीवारें थी उनसे मेरे सर से भी 5 फुट ज्यादा ऊपर दीवार थी, उस दीवार को हम लोग क्रॉस करके वापस बाहर निकले। बीच में शिवन्या को तो यहाँ बैठा रखा था, ये भी रोने लग गई, तो उस दीवार को फांद करके जिनके पास में बच्चे थे या महिलाएं थी खूब सारे वैसे निकल रहे थे ऊपर, कोई पुलिस वाले रोर खड़े थे तो मदद करके हाथ पकड़ पकड़ ऐसे निकल रहे थे, हम लोग भी ऐसे निकल निकल के आए, और इनके निकल के आने के बाद में तो और भी ज़्यादा हो गई, बड़ा मुश्किल से हम लोग वापस आ पाए हैं। ये इस साइड में जितने भी लोग दिख रहे हैं वो ऐसे ही आए हैं उस साइड से निकल निकल के। अब यहाँ एक और गेट है रसोई वाला, यहाँ आके सब लाइन में लगे, क्या पता एंट्री मिल जाए, तो ऐसे सोच रहे हैं, हमें नहीं जाना है, हम तो ऐसे ही दर्शन करने आए थे, मंदिर के तो दूर से ही हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, पूरा बरसाना घूम लेंगे, क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा होती है बच्चों को साथ में लेके तो आ ही नहीं सकते। और मुझे लगता है उस टाइम एक तो एक दिक्कत थी, गेट बंद था, भीड़ खड़ी होगी गेट बंद था, बंद गेट में आपको बताया और ज़्यादा धक्का मुक्की होने लग गई।
क्योंकि मंदिर खुलने का टाइम है 4:30, आधा घंटा हो गया उस बात को, अभी 5 बज गए। वापस नीचे आ गए हम लोग, बहुत सारी जगह पर कथाएं चल रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, मेला लगा हुआ है पूरा मार्केट। आपका इंतजार कर रहे हैं राधे राधे धर्मपति। आप बाणा क्या अंधीरा, आप नीचे अब तो निकाल दे चप्पल पहले, मैं जुराब जूता पहनूंगा वो खराब भी है, मेरी चप्पल दे दे, जूते चप्पल हम लोगों ने क्या किया बैग में डाल ली। गाड़ी खड़ी हुई है जिस पार्किंग पे, वहीं पहुंचे आपकी बेटी नीलम, वहीं आपका इंतजार कर रही है। बहुत बच्चे भी गुम हो रहे हैं और बड़े भी बिछुड़ रहे हैं, तो उनका फिर बार बार अनाउंसमेंट चल रहा है। और भीड़ के अंदर भी कई सारे लोग ऐसे थे, दीवार के ऊपर किसी का बच्चा ऊपर ले लिया, पेरेंट्स नीचे रह गए। विनम्र अनुरोध है कि कहीं भी मेला क्षेत्र में कोई यात्री पिछड़ा हुआ बच्चा बूढ़ा महिला असहाय, अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है बिना दर्शन के आ गए कोई बात नहीं, मंदिर जाके आ गए ले ले पूछ ले वन वन रुक 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 रुपए निकाल के दे से ये 50 ले ले सेना वाले से ले ले मिन को निकाल के देवा ऊपर सो गए ओए ले ले यार पर स्टेप गए तो सीनियर से कहा ले बोल ले कोई नहीं माइक तुम दे रखो और ये बाबू उठे बिन जाई ना ना हटी हटी उठ जे हटी ना उधर बैठो अंदर अंदर वापस आ गए रूम पे, ये छत के ऊपर, यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ पूरा व्यू मंदिर का। ये ठीक है भाई, बहुत ज्यादा शाम के टाइम में बहुत ज्यादा श्रद्धालु है, तो सुबह सुबह जल्दी दर्शन करेंगे। नॉर्मली हम जो फेस्टिवल होते हैं, इवेंट्स होती है, या फिर जो भी मेन जो पीक पर प्रोग्राम होता है ना, वहाँ कभी नहीं जाते हम लोग। आप लोग कहते भी हो कि उस टाइम आना, मेले में आना, इसीलिए नहीं जाते हैं कि भीड़ में बच्चों को लेकर जाना बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा बरसाना है ना, गली गली के अंदर रंग खेल रहे हैं, गली गली के अंदर प्रोग्राम है, हर जगह पर डांस प्रोग्राम, नाचने गाने के सब चीज़ें चल रही है, गली गली के अंदर है, वो बाद में दिखाएंगे। उसके बाद में हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि छत के ऊपर बैठ कर के यहीं पर खाना बना लेते हैं। पीछे हमारे वहाँ पर पहाड़ी पर है लाडली श्री राधा जी का मंदिर, और इस साइड में ये जो नई कॉलोनी है वेस्ट साइड के अंदर, बरसाना और इस पहाड़ी से वेस्ट साइड में पश्चिमी दिशा के अंदर है, पहाड़ी के उस पार नई कॉलोनी बनी है, और खूब सारी यहाँ पर ज़्यादातर तो घर ही है रहने के लिए, कुछ रखने के लिए जैसे धर्मशाला टाइप में भी है संस्थान बने हुए हैं, घरों में भी लोग रखते हैं। और मटर छील रही हूँ, सब्जियाँ काट रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, और शून्य पास में बैठ के टमाटर खा रही है, और यहाँ से पूरा मंदिर पहाड़ी पे दिख रहा है सामने, और आस पास में बंदर भी खूब है, तो पास में ये लट्ठी लेके बैठे है, ये छड़ी लेके बैठे है कि बंदर नहीं आ जाए। खाले खाले आशा बात टमटम टमटम
खाना हाँ ले खाना खा रहे हैं खिचड़ी। और ये जहाँ पर हम लोग रुके हैं ना, घर वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर रात भर प्रोग्राम चलते हैं, रात को भी जैसे होली के हर जगह चलते हैं, हमारे राजस्थान में भी गिंदड़ होती है, यहाँ कुछ अलग होता होगा, चलते हैं रात भर है। तो कोशिश करते हैं अगर आज या फिर कल रात को भी हम लोग रुकेंगे, थोड़ा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे जरूर। भंडारे चलते रहते हैं कि रात भर, सब जगह ऐसा माहौल है। हाँ तो फिल्म को नहीं वीडियो भी खड़े आज तो वीडियो एडिट करना पड़ेगा, कल दिखाऊंगा रात वाला। और कल सुबह हमें जल्दी 5 बजे उठ के दर्शन करने भी जाना है, दिन में भीड़ में हम नहीं जा सकते, सुबह सुबह जाएंगे सारे, क्योंकि अठे का लोग तो रात में सारा देख रहा होती 5 बजे क्या कर पहुँच जाऊँ। ये घर ठीक मिल गया, हमारे बगल में इस साइड में भैंस है इनकी, सुबह दूध मिल जाएगा। और थोड़ी गर्मी आ गई, मच्छर वाली दिक्कत है, लेकिन ठंडा पंखा चला लिया, ऑल आउट भी है। और हमारे बाद में इस घर के अंदर 2 दिल्ली के लड़के आए हुए हैं, उनको ऐसे बाहर ओपन में जगह मिली है। बोल लो, बैठ जा। बाद में मैं हाँ एक है, आप शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू। राधे राधे, कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिख दें, राधे राधे।